हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे शरीर के सभी अंगों की अंग्रेजी क्या होती है, जैसे कि आँख, नाक, कान, गर्दन, हाथ, घुटना, पेट, पीठ आदि। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, आँख को इंग्लिश में आई कहते हैं, पलक को इंग्लिश में आईलिड कहते हैं, भौं को इंग्लिश में ब्रो कहते हैं, कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, नाक को इंग्लिश में नोज कहते हैं, मुंह को इंग्लिश में माउथ कहते हैं, गले को इंग्लिश में थ्रॉट कहते हैं, गर्दन को इंग्लिश में नेक कहते हैं। नेक्स्ट, होंठ को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, जीभ को इंग्लिश में टंग कहते हैं, चेहरा को इंग्लिश में फेस कहते हैं, गाल को इंग्लिश में चीक कहते हैं। नेक्स्ट, दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं, मूंछ को इंग्लिश में मोस्टेक कहते हैं, ठोड़ी को इंग्लिश में चीन कहते हैं, दिमाग को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, माथा को इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं, सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं, बाल को इंग्लिश में हेयर कहते हैं, त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं। नेक्स्ट, कंधा को इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, छाती को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं, नाभि को इंग्लिश में नेवल कहते हैं, पेट को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। नेक्स्ट, हाथ को इंग्लिश में हैंड कहते हैं, मुट्ठी को इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं, कोहनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं, भुजा को इंग्लिश में आर्म कहते हैं। नेक्स्ट, कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं, उंगली को इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं, अंगूठे को इंग्लिश में थंब कहते हैं, हथेली को इंग्लिश में पाम कहते हैं। नेक्स्ट, पैर को इंग्लिश में फुट कहते हैं, घुटने को इंग्लिश में नी कहते हैं, टांग को इंग्लिश में लेग कहते हैं, जांग को इंग्लिश में थाई कहते हैं। नेक्स्ट, एडी को इंग्लिश में हील कहते हैं, पीठ को इंग्लिश में बैक कहते हैं, कुल्हा को इंग्लिश में हिप कहते हैं, कमर को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, स्तन को इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं, गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं, लिंग को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, योनि को इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। नेक्स्ट, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं, मांसपेशी को इंग्लिश में मसल कहते हैं, नस को इंग्लिश में वेन कहते हैं, रक्त या खून को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट, नाखून को इंग्लिश में नेल कहते हैं, हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं, दांत को इंग्लिश में टीथ या टूथ कहते हैं, दाढ़ को इंग्लिश में मॉलर टूथ कहते हैं। नेक्स्ट,
जबड़ा को इंग्लिश में जॉ कहते हैं, हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, फेफड़ा को इंग्लिश में लंग कहते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।